कक्षा 8 मैथ की व्हाट्सएप क्विज दिनांक 11 सितंबर 2021। टोटल 8 क्वेश्चन थे जिसके आंसर हमने कल देख लिए थे। आज की वीडियो में मैं सभी आंसर आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ में ऑल को सेलेक्ट कर दें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2x/3+6 बराबर 3x/5+8। तो यहाँ पर हमें दो संख्याओं में चर दिया गया है। ये तो 2x/3 इसमें चर है और एक 3x/5 इसमें चर दिया गया है। तो चर वाली संख्याओं को हम एक साइड में रखेंगे और जो अचर संख्या है उनको एक साइड में रखेंगे। तो ये 3x/5+ का है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x/3 - 3x/5। अब ये 6+ का है, इसको हम इधर ले आएंगे तो 8 - 6। अब यहाँ पर हम इन दोनों का क्या लेंगे, लघुतम लेंगे। 3 और 5 का लघुतम कितना आएगा, 15। फिर 3 का भाग देंगे 15 में, 5 बार जाएगा और 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10x। फिर 5 का भाग देंगे 15 में, 3 बार जाएगा, 3 को 3x से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9x। और इधर 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2। 10x - 9x/15 बराबर 2 घटाएंगे तो x बचेगा, 15 है और भाग में इधर आएगा 2 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा। तो इधर बचेगा एक्स और इधर हो गया 2 गुणा 15। 2 को 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 30। तो एक्स का मान कितना आ गया, 30। इसके हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 भी सेम आपको ऐसी दी गई है। इसमें लिखा हुआ है 4z - 3/5 - 2z - 1/2 बराबर 1/5 - z। यहाँ पर जेड है वो चर है, 3 संख्याओं में यहाँ पर जेड दिया गया, 3 पदों में इसमें इसमें और इसमें। तो जेड वाले टर्म को हम एक साइड में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4z - 3/5 आ गया, -2z - 1/2 आ गया और ये माइनस का जेड इधर आएगा तो प्लस का z/1 लिख देंगे और ये 1/5 पहले से इधर है। अब 5, 2 और 1 3 संख्या है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 10। एलसीएम कितना आ गया, 10। फिर हम 5 का भाग देंगे 10 में, 2 बार जाएगा और 2 को गुणा किसे कर देंगे, ऊपर वाली संख्या से। तो 2 को 4z से गुणा करेंगे तो 8z, 2 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6। फिर इस 2 का भाग देंगे हम 10 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 को 2z से गुणा करेंगे तो 10z और 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5। लेकिन यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 5। फिर 1 का भाग देंगे 10 में 10 बार और 10 को जेड से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 10z बराबर 1/5। यहाँ पर ये 10z माइनस का है, यहाँ पर ये 10z माइनस का है और ये 10z प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 8z। ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 5 है तो माइनस का 1 बचेगा और इधर क्या है, 1/5। तो ये आ गया 8z - 1 बराबर 1/5। 10 भाग में इधर आएगा गुणा में तो आ जाएगा 8z - 1 बराबर 1/5 गुणा 10। 5 से 10 कितने बार कटेगा, 2 बार। तो ये बच गया 8z - 1 बराबर 2। इसको आगे देखते हैं हम, 8z - 1 बराबर क्या बचेगा, 2 बचेगा। माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और 8 गुणा में इधर आएगा भाग में तो 2 + 1 = 3, 3/8। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपको यहाँ पर दी गई है, निष्ठा के पास 200 रुपये के नोटों से के दुगने से एक अधिक 50 रुपये के नोट हैं। उसके पास कुल 1850 रुपये हैं तो 50 और 200 के कितने नोट हैं। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 200 रुपये के जो नोटों के दुगने से अधिक 50 रुपये के नोट हैं, यानी 50 रुपये के नोट ज़्यादा हैं, 200 के नोट कम हैं। तो जिस जो कम है वो मान लेते हैं कि 200 के नोट कितने मान लिए हमने, एक्स मान लिए, कितने मान लिए, एक्स। तो 50 के कितने हो जाएंगे, 200 रुपये के नोटों के दुगने से एक अधिक, यानी 200 के जितने नोट हैं उसके डबल से एक ज़्यादा। तो 200 के नोट कितने लिए, एक्स है, तो 50 के कितने हो गए, डबल से एक ज़्यादा, तो डबल कर दिया 2x और इससे भी एक ज़्यादा तो 2x + 1। कुल रुपए कितने हैं, 1850। तो अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि टोटल रुपए दिए गए हैं। तो 200 रुपये के नोट कितने हैं, एक्स हैं, तो 200 रुपये के रुपये कितने बनेंगे। जैसे मान लो 200 के 5 नोट होते हैं तो रुपये कितने होंगे, 200 को हम 5 से गुणा कर देंगे, ऐसे 1000 आ जाएंगे। तो इसी प्रकार 200 के एक्स नोट है तो 200 के रुपये कितने बनेंगे, तो 200x बन जाएंगे। रुपये कितने बनेंगे, 200 को एक्स से हम गुणा कर देंगे। इसी प्रकार 50 के रुपये कितने बनेंगे, तो 50 को हम 2x + 1 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये तो 200 के रुपये और ये 50 के रुपये गुणा करेंगे तब, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो रुपये कितने आ जाएंगे, 1850। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 200 × x + ये 50 के नोट है तो इसको 50 से गुणा कर देंगे, 50 × 2x + 1 = 1850।
ये हो गया 2x, 50 को 2x से गुणा करेंगे तो 100x, और 50 को 1 से गुणा करेंगे तो 50 बराबर 1850। 200x प्लस 100x बराबर 300x, प्लस का 50 दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 50। इधर 300x और इधर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1800 बचेगा, और 300x बराबर 1800 ये बचेगा। 300 इधर गुणा में है, दूसरी साइड में आएगा तो 1800 में 300 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो 200 रुपये के नोट कितने आ गए, 6 आ गए। अब 50 के कितने आएंगे, 200 के डबल से एक ज़्यादा है, तो 200 के 6 हैं तो डबल कितना हो गया, 12, और 12 से भी एक ज़्यादा, तो 50 के कितने आ जाएंगे, 13 नोट। इसके अंदर देखते हैं प्रश्न संख्या 4। एक वाद विवाद प्रतियोगिता में 30 प्रतिभागी हैं, टोटल प्रतिभागी कितने, भाग लेने वाले कैंडिडेट कितने, 30 है। यदि विजेता को 1500 रुपये और हारने वाले को 550 या उपविजेता को 550 रुपये मिलते हैं, कुल 22200 रुपये वितरित किए गए, तो विजेताओं की संख्या हमें निकालनी है। तो मान लेते हैं विजेताओं की कितनी है, x है, तो उपविजेता कितने होंगे, टोटल 30 है, तो जो बच गए मान लो 5 विजेता हैं, तो उपविजेता कितने होंगे, 30 में से 5 घटा देंगे, 25 बचेगी, तो यहाँ पर विजेता x है, तो उपविजेता कितने होंगे, 30 माइनस x। अब एक विजेता को रुपये मिलते हैं 1500, तो टोटल मान लो x है, तो रुपये कितने मिलेंगे, 1500 को x से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार उपविजेता कितने हैं, 30 माइनस एक्स है, तो उपविजेता को रुपये मिलते हैं 550, तो 550 को हम 30 माइनस एक्स से गुणा कर देंगे, ये राशि आ गई टोटल। और कुल राशि है कितनी, 22200, तो इन दोनों राशियों को हम जोड़ देंगे, बराबर क्या आ जाएगा, 22200। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1500x ये वाला, और 550 गुना 30 माइनस एक्स ये वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 22200। 1500x प्लस 550 को 30 से गुणा करेंगे 16500, 550 को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस का 550x बराबर 22200। इसको आगे देखते हैं थोड़ा, 1500x प्लस 16500 माइनस 550x बराबर 22200। 1500 में से 550x जाएगा तो क्या बचेगा, 950x, ये प्लस का 16500 इधर आएगा तो माइनस का 16500। 950x बराबर कटाएंगे तो कितना बचेगा, 5700, और 950 गुणा में है, दूसरी साइड में जाएगा तो 5700 में भाग लग जाएगा 950 का, तो कितना आएगा, 6। तो विजेता कितने हैं, 6। इसके अंदर प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 आपको यहाँ पर दी गई है। मनीषा के पास 20 रुपये, 50 रुपये और 100 के नोटों का अनुपात 5:4:3 के अनुपात में है, कुल 1200 रुपये हैं, तो नोटों की संख्या हमें निकालनी है, 20, 50 और 100 के अलग अलग। तो 20 के नोट का अनुपात कितना है, 5 है, तो 20 के नोट कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। 50 का अनुपात 4 है तो 4x, और 100 का अनुपात 3 है तो 3x, यानी ये नोटों की संख्या है 5x, 4x और 3x। कुल राशि कितनी है, 1200 रुपये। यहाँ पर टोटल राशि दी गई है, कुल नोटों की संख्या नहीं है, ये टोटल राशि है। तो राशि कैसे निकालेंगे, देखो 20 रुपये के नोट है, मान लो 20 रुपये के नोट होते, 10 नोट होते, तो 20 को हम 10 से गुणा करते तो राशि कितनी आ जाती, 200। तो इसी प्रकार 20 के नोट कितने हैं, 5x हैं, तो 20 को हम 5x से गुणा कर देंगे। 50 के नोट कितने, 4x हैं, तो 50 को 4x से गुणा कर देंगे। 100 के कितने, 3x हैं, तो 100 को 3x से गुणा कर देंगे, ये टोटल राशि आ गई। और टोटल राशि किसके बराबर आएगी, 1200 के, तो बराबर 1200 जोड़ेंगे, 100x ये हो गया, 200x ये हो गया, 300x बराबर 1200 जोड़ेंगे तो 600x बराबर 1200। 600 इधर भाग में चला जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 2। x का मान 2 है तो 20 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे, 5x थे, x का मान 2 है तो 5 गुना 2, तो 20 के नोट कितने आ गए, 10 नोट आ गए। 50 के 4x हैं तो 4 गुना 2, यानी 8 नोट आ गए। और 100 का 3x, तो 3 गुना 2 बराबर कितने आ गए, 6 नोट आ गए। इसके हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपको यहाँ पर दी गई है। राज के पास 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं, उनका अनुपात 8:17 है, कुल सिक्के 50 हैं, तो कुल कितनी राशि है। यहाँ पर टोटल राशि हमें निकालनी है, सिक्कों की संख्या दी गई है। तो 1 रुपये के सिक्के कितने मान लेते हैं, अनुपात 8 है तो 8x मान लेंगे, 2 रुपये के सिक्के 17x मान लेंगे, कुल सिक्के कितने, 50 हैं। तो यहाँ पर हमें राशि को गुणा, इस सिक्कों को गुणा नहीं करना है इसके साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर सिक्के दे रखे हैं, टोटल राशि नहीं दी गई। तो ये सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों की संख्या और टोटल सिक्के ये हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, 8x प्लस 17x बराबर 50, 25x बराबर 50, x बराबर 50 बटा 25 बराबर 2। तो 1 रुपये के सिक्के कितने आ जाएंगे, 8 गुना 8 हैं तो 8 गुना 2 बराबर 16, और 2 रुपये के सिक्के कितने आ जाएंगे, 17 गुना 2 बराबर 34। अब राशि हमें निकालनी है, कुल कितनी राशि है। तो 1 रुपये के 16 सिक्के हैं, तो राशि भी कितनी आएगी,
पैसे कितने बनेंगे, 16 रुपये बनेंगे। 2 रुपये के 34 सिक्के हैं तो पैसे कितने बनेंगे, 34 को 2 से गुणा करेंगे तो 68, कुल कितने हो गए 68 प्लस 16 बराबर 84 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है तो संख्याओं का योग 81 है तो संख्या ज्ञात करो। ये सिंपल सा है, 2:7 दिया गया है, योग 81 दिया गया है तो पहली संख्या हो जाएगी 2 बट्टे अनुपातों का योग कितना है 9 गुणा 81, काट देंगे 9 को 81 से 9 बार कटेगा, 9 को 2 से गुणा कर देंगे तो 18। इसी प्रकार दूसरी संख्या आ जाएगी 7/9 गुणा 81, 9 बार कट गया, 9 को 7 से गुणा कर देंगे तो 63। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। श्रुति के पास 40 चॉकलेट थी, उसने अपनी बहन को कुछ चॉकलेट दे दी और पाया कि शेष चॉकलेट और कुल चॉकलेट का अनुपात 3:4 है तो बहन को कितनी चॉकलेट दी। तो माना बहन को चॉकलेट कितनी दी, एक्स दी, टोटल कितनी 40 है तो शेष कितनी बचेगी, 40 में से एक्स घटा देंगे। तो ये तो है कुल चॉकलेट और ये है शेष चॉकलेट, अनुपात किसका दिया गया है, शेष चॉकलेट और कुल चॉकलेट का। तो शेष चॉकलेट ने 40 माइनस एक्स और कुल चॉकलेट है 40, यानी इन दोनों का अनुपात दे रखा है कितना है 3:4। तो इसको हम लिख देंगे शेष चॉकलेट पहले तो 40 माइनस एक्स अनुपात कुल चॉकलेट 40 बराबर 3:4, ये स्टेटमेंट आ जाएगा। अब अनुपात है तो इसको बटा में लिखा जा सकता है तो 40 माइनस एक्स बटे 40 बराबर 3/4। आगे देखते हैं 3/4 हो गया, अब इनका गुणा कर देंगे, 4 है वो इधर भाग में तो इधर आएगा गुणा में आ जाएगा और 40 से 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो 4 को हम 40 माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो 4 को 40 से गुणा करेंगे 160, 4 को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x और इधर 40 को 3 से गुणा कर देंगे तो 120। अब प्लस का है 160, दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 160 हो जाएगा तो माइनस का 4x बराबर 120 माइनस 160 माइनस 4x बराबर कितना बचेगा, माइनस का 40, माइनस से माइनस कट गया, 4 गुणा में दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में तो x बराबर कितना देगा 40/4 यानी 10। तो श्रुति ने अपनी बहन को चॉकलेट कितनी दी, 10 चॉकलेट दी। तो टोटल 8 क्वेश्चन थे जिसको हमने समझ लिया है। इसी प्रकार की वीडियो आपको कंटिन्यू चैनल पर मिलती रहेंगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।